जैसे वो आजकल वो अभियान चल रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मेरे घर में भी मेरे ससुर की बेटी है। हाँ सर मैं बेटियों का सम्मान करता हूँ, मैं कभी पत्नी नहीं कहता उसको, अपने ससुर साहब की बेटी का ही संबोधन देता हूँ। इतनी संस्कारित महिला है, इतनी संस्कारित महिला माँ जी मैंने कोई दूसरी देखी नहीं। आप लोगों के जमाने के सारे नियम अपनाती है, दो रोटी तो रोज बनाती है, पहली रोटी गाय की बनाती है, बाद की कुत्ते की बनाती है। इतनी संस्कारित महिला बाबूजी। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ऐसी कॉलोनी में रहता हूं न वहां गाय आती है न कुत्ता। एक बार तालियां बजा दो। ऐसी कॉलोनी में रहता हूं ना गाय आती है ना कुत्ता। देर शाम में जब थका हारा घर लौटता हूं तो दोनों रोटियां गर्म करके मेरी थाली में ही सरका देता। और वो ऐसा क्यों करती है दिनेश भाई? वो ऐसा इसलिए करती है कि जिससे मैं गाय की तरह सीधा बना रहूं और कुत्ते की तरह उसके सामने पूंछ हिलाता रहूं। हाँ मुझे दिखाई दे रहे सब हिलाते हैं। एक बार ताली बजा दो अपने सम्मान में, क्योंकि हिलानी सबको पड़ती है। पूछ होती है। अच्छा बिल्कुल संस्कारों की बात देसी घीने की, और तमाम बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं प्रणाम करता हूँ उनकी उपस्थिति को। वाकई में संस्कारों में जो गिरावट हुई है, बेटी फोटो खींच रही है, ठीक से खींचना, रामलीला पर रावण दहन के काम आ जाएगा। वैसे मैं जब से ये बाबूजी डिजिटल फोटोग्राफी का जमाना शुरू हुआ है मैं बहुत बहुत परेशान रहता हूँ। कई बार क्या होता है डिजिटल फोटोग्राफी में ऊपर का हिस्सा किसी का और नीचे का किसी का। उदाहरण के लिए ऊपर ऊपर लटूरी लठ और नीचे नीचे आलिया भट्ट। कपड़े उतारे वो और सत्यानाश हो जाए मेरा। टेलीविजन ने संस्कार तो साथ थोड़े से गड़बड़ किए हैं। पहले जमाना हुआ करता था कि हम गाय पालते थे, कुत्ते आवारा घूमते थे, अब हम कुत्ते पालते हैं गाय आवारा घूमती। संस्कारों में पता नहीं कैसा चरण हो गया है। अच्छा बाबू जी हमारे यहाँ जब उत्सव होते थे, शादी ब्याह होते थे, तीज त्योहार होते थे, तो कुछ महिलाएं हम बुलाते थे नाच गाने के लिए, पैसे देते थे उनको, पैसे देकर के बुलाते थे, नाच गाने करते थे, और घर की महिलाएं भोजन बनाती थी, खाना बनाती थी, खाना पड़ोस के खिलाती थी। अब सिस्टम उल्टा हो गया है। अब जो महिलाएं पैसे देकर के आती हैं वो खाना बनाती हैं, और घर की महिलाएं शादी ब्याहों में नाचती। बात सही है तो सर आप ताली बजाएं। ये टेलीविजन का, फिल्मों का इतना प्रभाव जीवन पर। बाबू जी हमारे घर में छोटा सा बच्चा पैदा होता था, छठी जिस दिन होती है काजल बाजल बुआ लगाती है, उस दिन उसके रूप सौंदर्य का जरूर वर्णन करती थी। ये तमाम माता जी बैठी हुई है ये जानती है इस बात को। छठी के दिन सब इकट्ठी हो जाती थी मोहल्ला भर की महिलाएं, और उसके रूप सौंदर्य का वर्णन करती थी। इसकी नाक तो बिल्कुल अपने ताऊ पर गई है, इसके गाल तो बिल्कुल अपने चाचा के जैसे, माथो देखो जा तो मामा के ऊपर गए, ओठ तो बिल्कुल बुआ के मिले, ऐसे रूप सौंदर्य का वर्णन होता था। आज छठी के दिन महिलाएं इकट्ठी होती हैं, जाके नाक तो बिल्कुल सलमान खान के मिले, जाके गाल तो देखो बिल्कुल गोविंदा जैसे, ओठ बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसे, और कोने में बैठी बैठी बुढ़िया कह रही कि जामे के घर को उतर के सब लंबा रे बोली दे। तो ये सिस्टम बदला है मोदी जी। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप आनंद लो इसका। ये सर जो सिस्टम बदला है, और इस सिस्टम को बदलने की जो कहने की जो सामर्थ्य रखता है वो देश का व्यंगकार होता है, और वो व्यंगकार हमारे बीच में दो बड़े व्यंगकार आज हैं आदरणीय मोदी सर, आपकी कृपा से ये बड़े रचनाकार आप लोगों के बीच में, जिसमें से एक बड़ा रचनाकार जिसका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, आदरणीय स्वर्गीय सुरेंद्र दुबे जी, जिनके चाचा हुआ करते थे, इतने बड़े व्यंगकार आज हमारे बीच में हैं। व्यंग क्या होता है? हमारे कहीं वो जमुना प्रसाद उपाध्याय ने व्यंग को परिभाषित करते हुए ये कहा है कि
नदी के घाट पर यदि सियासी लोग बस जाएं, नदी के घाट पर अगर सियासी लोग बस जाएं, तो दुनिया के लोग एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। नदी के घाट पर अगर सियासी लोग बस जाएं, तो दुनिया के लोग बूंद बूंद पानी को तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चलती नहीं इनकी, वरना सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं।